साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचे फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज कंचन भाई के पास में आए हैं अपने गांव में, और सामने जो आप प्लॉट देख रहे हैं 28 इंची पे है ये। और यो भाइयों 0118 गन्ना वैरायटी जो है बहुत दूर से आई, खंदड़िया से, जो कि उत्तम शुगर मिल पड़ता है अपना हाईखेड़ी। और 0118 में भी कई तरह की वेराइटियां, दो तरह की तो कम से कम हमने देख रखी, तो उसमें भी अंतर है। और ये जो 0118 है पिछले साल आया था हमारे गांव में, तो गन्ना पौधा मैंने अंकित भाई की वीडियो बनाई थी, बहुत शानदार था। और वो ही बीज इस खेत में है, तो 0118 जो गन्ना पौधा है इसके बारे में भी कंचन भाई से जानकारी लेंगे। आज ये मिट्टी चढ़ा रहे और थोड़ी सी एक ही कमी कर रखी है बस, इन्होंने 28 इंची पर कर रखा है खेत। अगर 30 से 32 इंची पर होता, थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाती तो और बढ़िया रहता। बाकी भाइयों, एक जो अपने झोटे से जुताई करने वाले किसान है भाई, उनके लिए एक चीज और है अच्छी, ये मवाना में भाइयों ये बेल्ट बन रही इस तरीके की, जिसमें जो है अपने पशु को बहुत आराम मिले, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिलवा दे कंचन भाई से। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। तो कंचन, इसमें बेल्ट में जैसे नीचे ही लगाया इन्होंने, इसमें चौड़ा कर देते तो? हाँ, चाहे चौड़ा करवा लो, ये तो बना रखा था, सीख गए थे। अच्छा, बना रखा था, वैसे बना देंगे उस हिसाब से। जैसे तुम कहो तो वैसे इसमें आराम है ना? है ना, जैसा गड़ा सा घुट जाता वो समस्या नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से। अगर ये चोटी हो जाए पट्टी तो और भी आराम मिल जाएगा। दिन मैडे से शुरू वाले दिन मैडम मारा 8 बीघे था, कहीं भी नहीं रुका, कहीं भी नहीं रुका, पहले कहीं भी रुका ना। मुबारा देखो, जैसे मट्टी चढ़ा दी सारे पे, है ना। तो कंचन, कब की बुआई है भाई इसकी खेत की? यू भैया मार्च के लास्ट की है। मार्च के लास्ट में जी, सरसों लेट कटी थी ना। हाँ, सरसों के खेत की हो तो 28 इंची पे नेड़ा ना करते, थोड़ा सा 30 या 32 इंच करते कम से कम भाई। वो फिर वही बंधने में लबाव है ना नीचे। अच्छा अच्छा, इसकी बंधाई ज्यादा करवानी पड़ी, ज्यादा करवानी रखा था पिछले जी जी। तो खंदड़िया वाला ही है बीज, क्या लग रहा है बीज का? बीज ट्रेंच पर 60 का लिखा था। 60 का, तो इसमें शादी में बढ़ सका थोड़ा, देखो बढ़ जाना चाहिए। अब क्या, वैसे ब्याज भी ज्यादा, पिछली बार ब्याज कम करा हमने। अच्छा अच्छा, पिछले साल से अब का रिजल्ट अच्छा ज्यादा है। अब का कलर भी और तरह का, पहले पेला पेला सा हो गया। जी जी जी। और भाइयों, कंचन भाई हमारे गांव में लेकर आए थे सबसे पहले वो ट्रेंच वाला भी हड़ है। वो पंखड़ी कहाँ बनवाई थी यार, बहुत फोन आवा इसके भी। वो खतौली बनवाई, खतौली किस जगह है वो? भैंसी वाले चौपले पे, भैंसी वाले चौपले पे फेमस है वो, कोई भी बता दे। अच्छा, कोई भी बता दे। तो आपका ट्रेंच से नहीं लगा फिर? ट्रेंच लगा रखा है, अगले वाला खेत लग रहा है, 8 बीघे पर लगा रखा। अच्छा अच्छा, तो 0118 क्यों लगा? इसी वजह से लगाया, बंधाई ज्यादा हो। अच्छा, बंधाई ज्यादा हो, और कुछ डर भी लग रहा था नया आया, क्या पता ब्यात व्यात ना हो, छिद्दा रह जाए। पिछली बार 60 पे रह गया ना ट्रेंच, बहुत तगड़ा करना खड़ा था। हाँ, तो इसमें तो पूरा का पूरा करना ही बोया जैसे पिछले। हाँ हाँ, पूरे जड़बड़ सब, जड़बड़ सब। तो बुआई में क्या लगाया था इसमें? बुआई में तो माइक्रोराइजर लगाया था भैया, वही माइक्रो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, रिजेंट डाली थी। इसमें क्या लग रहा है, 38 से ज्यादा है मेरे कम? 38 से ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा तो दिख रहा है। बीमारी भूजा में, तो बीमारी तो अभी देख ले, कुछ भी तो नहीं। हाँ, कलर तो मतलब ठीक आ रहा खेत में। तो अगर 38 से कम बीमारी है तो फिर तो चल जाएगा। कोरोजन करी? अच्छा, कोरोजन की ट्रेंचिंग करी, फिर भी इसमें है तो 38 का भैया ही हो। हाँ हाँ, करनी तो पड़ेगी इसमें भी। हाँ जी, तो भाइयों देखो, शानदार कंचन भाई का भैंस बढ़िया गोर वोर करके फिट कर रखा, और मिट्टी आज इस पर चढ़ा रही है। तो नीचे की डोज में क्या क्या लगा दिया भाई इसमें? भैया एक तो वो गिरा कैलबोर, कैलबोर। अच्छा ठीक है। और भैया डाई गेर दी, यूरिया गेर दिया। अच्छा अच्छा, डाई और यूरिया। एक खुदाई करी होगी इसकी? बस एक खुदाई करी। अच्छा, जुताई कितनी होगी? जुटे जुताई दो ही करी, तीसरी तो मट्टी कर दी, तीसरी मट्टी चढ़ा रहे। तो भाइयों देखो, जो ये मट्टी चढ़ाने में भी खरपतवार मोथा वगैरह हो रहा है, ये सब दब जाएगा। और बीच में तो जोटे से इन्होंने फिट कर ही रखा, बाकी का वैरायटी का परफॉर्मेंस पिछले साल से आपका बेहतर है, है ना, बढ़िया। और हमारे गांव में तो अगले साल को पूरा पर्याप्त हो जाएगा, भतरा बीज हो गया। तो पिछले साल खंदड़िया से अंकित भाई लेकर आए थे, अब की बार जो जो खंदड़िया से आया वो अब के भी पेला हो रहा, पेला हो रहा, अब के सुखना पर रखा ना। हाँ, वो अब के पेला हो रहा, और जो हमारे गांव के भी हुए सारे काले हैं। आया तो वहाँ सीता पर वही वाला बीज है जो जो पीछे खेत से बोया, वो सब वही कलर ले रहा। हाँ हाँ, जो मसल आ गया बोया, जैसे हमारा पहले पेला सा हो गया तो वही हो रहा। अच्छा, जो शुरू में लेकर आए तो वो पेड़ा पड़ा, और फिर अपने यहाँ जमीन पकड़ी तो आपका कलर अलग है। देखो कुछ प्रबंधन की बात हो जा। तो भाइयों देखो, झोटे को भी सस्ता मिल गया, एक बार अब चलवाते हैं। बेल्ट का मुझे सिस्टम बढ़िया लगा। तो मवाना में किससे ली थी? भैंसे वालों से? सब गए हैं। अच्छा, सब गए हैं। हाँ हाँ, ये देखो भाइयों, और हड़ भी है, नेक तिमकिया वाला होगा, नेक वाला हड़ है, फेमस हड़ है भाइयों आपके। अरे सचिन, जोर से पड़ रहा, ढाल चला है ना? हाँ, तो सही चल रहा, ये उछड़ते नहीं भाइयों, एक बैंडों के हड़ की तरह चला है बिल्कुल ये।
ये देख लो गजब की मट्टी चटरी। तो भाइयों जिसे भी ये पशु के लिए लानी हो तो इसमें नीचे बैठ जरूर लगवाइयो, क्योंकि मैंने देखा हमारे गांव में कहीं पे है। तो निचले वाली जरूर चाहिए, क्योंकि गड़ा भंसी घुटा है पशु का, तो उन्हें भी बदलाव करना चाहिए मौनावाड़ को। और जो कोई लेने जावे तो उनसे ये चीज का संशोधन करवावे जरूर। तो बाकी देखो भैया बैलों के झोटे की खेती तो अलग ही बात है, पावर वीडर और ये नए नए उपकरण तो ज्यादा दिन नहीं चलते, बाकी अपनी वही बड़ों की परंपरा चल रही है अब दबा के। और कंचन भाई ने ट्रेंच विधि से भी गन्ना जो लगा रखा, बैल सिंची पे झोटे से ही सारा काम हो जा, उसके लिए अलग पंखड़ी बनवा रहे। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।